छतरपुर मंदिर का इतिहास। छतरपुर मंदिर दक्षिणी दिल्ली में आता है। यह मंदिर देवी कात्यायनी को समर्पित है। इस मंदिर से जुड़ी एक बहुत अद्भुत और रोचक कहानी है, जिसे जानने के बाद हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार एक ऋषि ने दुर्गा देवी की कठोर तपस्या की थी। उस ऋषि का नाम कात्यायन ऋषि था। उस ऋषि की कठोर तपस्या को देखकर दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उस ऋषि के सामने प्रकट हुई। देवी ने उस ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर कहा कि जो भी वरदान चाहते हो वो अवश्य मांगो। उसके बाद कात्यायन ऋषि ने देवी से कहा कि आप मेरे घर में मेरी पुत्री बनकर जन्म लो, मुझे आपका पिता बनने की इच्छा है। ऋषि के यह शब्द सुनकर देवी प्रसन्न हुई और उसे इच्छा अनुरूप वरदान दे दिया। देवी ने फिर ऋषि के घर में कात्यायन पुत्री के रूप में जन्म लिया और तभी से देवी के उस अवतार को कात्यायनी देवी अवतार कहा जाता है। इसीलिए दिल्ली के इस मंदिर को कात्यायनी देवी का छतरपुर मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर दिल्ली के दक्षिण पश्चिम के हिस्से में आता है और यह कुतुब मीनार से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर की स्थापना बाबा संत नागपाल ने सन 1974 में की थी। उनकी मृत्यु 1998 में हो गई। इस मंदिर परिसर में देवी कात्यायनी का मंदिर साल में 2 बार नवरात्रे के मौके पर ही खोला जाता है, क्योंकि उस वक्त हजारों भक्त देवी के दर्शन हेतु यहां पर बड़ी दूर से आते हैं। यहां पर के एक मंदिर में चांदी से बनी हुई कुर्सियां और टेबल है और दूसरे कमरे में, जिसे शयन कक्ष भी कहा जाता है, उसमें बिस्तर, ड्रेसिंग टेबल और चांदी से नक्काशी किए हुए टेबल दिखाई देते हैं। यह मंदिर जब कोई बड़ा सत्संग आयोजित किया जाता है तभी खोला जाता है, जैसे कि कोई धार्मिक कार्यक्रम और भजन का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही एक पुराना पेड़ है और इस पेड़ पर पवित्र धागे बांधे जाते हैं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोग इस पेड़ को धागे और चूड़ियां बांधते हैं। लोग इस विश्वास के साथ इस पेड़ को धागे बांधते हैं कि उनकी हर व्यक्त की गई इच्छा पूरी हो जाए। नवरात्रि उत्सव के दौरान हजारों भक्त देवी के दर्शन करने के लिए आते रहते हैं। कम शब्दों में कहा जाए तो भारत की धार्मिक विरासत को दर्शाने वाला छतरपुर का मंदिर काफी महत्वपूर्ण मंदिर है। यहाँ के शिव मंदिर, राम मंदिर, माँ कात्यायनी मंदिर, माँ महिषासुर मर्दिनी मंदिर, माँ अष्टभुजी मंदिर, मार्कंडेय मंदिर, बाबा की समाधि, नागेश्वर मंदिर, त्रिशूल, 101 फीट की हनुमान मूर्ति भक्तों के विशेष आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। इन मंदिरों के अलावा भी यहां पर एक बहुत बड़ी इमारत बनाई गई है, जिसमें हर दिन भंडारा का आयोजन किया जाता है। लगभग पूरे 24 घंटे यहां पर कुछ न कुछ धार्मिक प्रार्थनाएं की जाती हैं। नवरात्रि, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी के दौरान तो मंदिर में हजारों भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस अवसर पर लाखों भक्त देवी के दर्शन के लिए आते हैं, जिसकी वजह से यहां का नजारा काफी देखने लायक होता है। नवरात्रि के दिनों में यहां पर लाखों लोगों को लंगर का प्रसाद बांटा जाता है। यह दृश्य देखने वालों का अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि यह दृश्य देखने में काफी सुंदर होता है। वास्तुकला की दृष्टि से छतरपुर का मंदिर एक अद्भुत मंदिर है, क्योंकि इस मंदिर के पत्थर कविताएं दर्शाते हैं। 2005 में दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर बनने से पहले यह छतरपुर मंदिर भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर को पूरी तरह से संगमरमर से बनाया गया है और मंदिर के सभी जगहों पर जाली से काम करवाया गया है। इस तरह की वास्तुकला को वेसारा वास्तुकला कहा जाता है। बहुत बड़ी जमीन पर फैले हुए इस मंदिर की सारी इमारतें विभिन्न तरह के वस्तुओं से बनी हैं। इस मंदिर के परिसर में कई सारे सुंदर बाग और लॉन बनाए गए हैं, जिन्हें देखकर किसी भी भक्त के मन को शांति मिलती है। मंदिर में किए गए नक्काशी का काम सच में काफी प्रशंसनीय है। मंदिर के बड़े आकार की वजह से यहाँ का परिसर काफी अच्छा दिखता है। देवी कात्यायनी की मूर्ति एक बड़े से भवन में स्थापित की गई है और इस भवन में प्रार्थना के हॉल से भी प्रवेश किया जा सकता है। सोने के मुलामे से बनी हुई देवी कात्यायनी की मूर्ति हमेशा भव्य कपड़े, सोने और सुंदर फूलों के हार से अलंकृत की जाती है। नवरात्रि के दिनों में तो यहाँ पर हजारों भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इतनी बड़ी भक्तों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उन्हें सांप की कतार में खड़ा किया जाता है। इन लंबी लंबी कतारों को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे सुरक्षा रक्षक तैनात किए जाते हैं। छतरपुर मंदिर तक कैसे पहुँचा जा सकता है
हाउ टू रीच छतरपुर मंदिर। देश की राजधानी दिल्ली के इस छतरपुर मंदिर में पहुंचने के लिए पूरे देश से सुविधा उपलब्ध है। सबसे करीबी स्टेशन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। यहां का सबसे नजदीक हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली के छतरपुर मंदिर की कई सारी विशेषताएं हैं। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में अगर एक बार प्रवेश कर लें तो फिर वो मंदिर में चारों ओर घूमता ही रह जाता है। उसे मालूम ही नहीं पड़ता कि कहां से मंदिर की शुरुआत है और कहां पर मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता है, क्योंकि इस मंदिर को बनाया ही कुछ इस तरीके से है कि किसी भी दिशा में जाने के बाद मंदिर का अंतिम छोर नजर ही नहीं आता। ऐसा लगता है कि हर दिशा में अंदर जाने का रास्ता दिखता है और बाहर जाने का कोई नामो निशान मिलता ही नहीं। इस मंदिर की दूसरी विशेषता यह है कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक बहुत ही पुराना और काफी बड़ा पेड़ है। लोगों की ऐसी श्रद्धा है कि इस पेड़ को धागा या चूड़ियां बांधने से भक्त की इच्छा अवश्य पूरी हो जाती है, इसलिए इस पेड़ के चारों ओर धागे और चूड़ियां बंधी हुई नजर आती हैं। कात्यायनी माता जय कात्यायनी माता, सुख सृष्टि में पाए, सुख सृष्टि में मां पाए जो तुमको ध्याता। जय कात्यायनी माता, आदि अनामय अविचल अविनाशी, अविचल अविनाशी अटल अनंत अगोचर, अटल अनंत अगोचर आज आनंद राशि। लाल ध्वजा नभ चूमत मंदिर पे तेरे, मंदिर पे तेरे जगमग ज्योति माँ जगती, जगमग ज्योति माँ जगती भक्त रहे घेरे। सत चित सुखदाई शुद्ध ब्रह्म रूपा, शुद्ध ब्रह्म रूपा सत्य सनातन सुंदर, सत्य सनातन सुंदर शक्ति स्वरूपा। दशवेत्या नव दुर्गा नाना शास्त्र करा, नाना शास्त्र करा अष्ट मात्र का योगिनी, अष्ट मात्र का योगिनी नव नव रूप धरा। महिषासुर संहारिणी दुर्गुण सभी हरो, दुर्गुण सभी हरो दोष विकार मिटा के, दोष विकार
पावन हमें करो। छठे नवरात्रे को जो पूजे तुम्हें माई,